बहू, मेरे गहने रखे हैं ना तुम्हारे पास, जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। आप कहीं जा रही हैं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, कहीं जा नहीं रही हूँ, पर मैं अपने पास संभाल के रखूँगी उन्हें, तुम ला दो। क्या हुआ मम्मी, आज आपको अचानक से गहनों की याद क्यों आ गई? और यह कह तो रही है उसमें संभाल के रखे हुए हैं, तो आप क्यों टेंशन ले रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी चीज़ किसी दूसरे के पास रहे, तुम मेरे गहने ला दो बस। मम्मी, रिया कोई दूसरी थोड़ी ना है, इस घर की बहू है वो, पत्नी है मेरी, सदस्य है वो इस घर की। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई है कि मुझे तुझसे भी इस घर में बातें सुननी पड़ेंगी, और मेरा अपनी चीजों पे कुछ हक है या नहीं? क्या मम्मी तुम? विकास, मम्मी जी मैं अभी आपके गहने ला कर देती हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या, आप मुझसे गुस्सा हैं? देख, मेरे पास ना ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, जल्दी से जाओ और गहने लेकर आओ। आपको क्या हो गया आज? आपको पता भी है आपकी इन बातों का रिया को कितना बुरा लगा होगा? ये लीजिए मम्मी जी। पता नहीं यार क्या हुआ मम्मी को। रिया, एक गिलास पानी लाना। ये लीजिए मम्मी जी। रिया, इसे संभाल के रख ले। इसमें क्या है मम्मी जी? इसमें गहने हैं। मम्मी, समझ में नहीं आता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह तो आप इसे गहने वापस ले रही थी, अब इसे वापस दे रही हो, क्या सोच रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, ये आप अपने पास ही रख लीजिए ना संभाल कर। अरे भाई, मैं क्यों रखूंगी, जिसके हैं वो रखेगा ना संभाल कर। मतलब? अरे मतलब ये कि इसमें तुम्हारे लिए गहने हैं, मैंने अपने पुराने गहने बेचकर तुम्हारे लिए नए डिजाइन के गहने खरीदे हैं। क्या, आपने अपने गहने बेच दिए? और वो भी क्यों, मेरे लिए क्या जरूरत थी? देखो बेटा, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। बेटा, तुम दोनों तो जानते हो मेरी उम्र हो गई है, अब क्या पता मैं कितने साल हूँ, और फिर मेरे जाने के बाद मेरे गहने तो बेकार ही पड़े रहते ना, वो तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे गहने मेरी बहू के काम आए। मम्मी जी, इनकी क्या ज़रूरत थी, मेरे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है, पर बेटा मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ, और ये गहने मैं अपनी बेटी को देती तो, और अगर बेटी को दे सकती हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? और सच कहूँ तो तुमने तो मुझे, इस घर को, विकास को इतना प्यार और सम्मान दिया है ना बेटा, और उसके बदले बेटा ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है मम्मी, आज तो आप दुनिया की बेस्ट सास बन गई हो। जब मेरी बहू दुनिया की बेस्ट डॉटर इन लॉ है, तो मुझे भी तो बेस्ट सास बनना पड़ेगा ना। लोगों ने ना सास और बहू के रिश्ते को इतना बदनाम किया हुआ है, अगर हर घर में आपकी जैसी सास हो ना मम्मी जी, तो किसी को अपने मायके की याद नहीं आएगी।